चेक गणराज्य की राजधानी में 27वें प्राग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया, जिस पर दुनिया भर के नामी गिरामी साहित्यकार और पत्रकार पहुंचे थे। अपने क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाले 8 कर्णधारों ने इस फेस्टिवल को 4 चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां पहुंचे साहित्यकारों ने अपने देश की दशा और दिशा पर चर्चा की। इस महोत्सव में भारत के पत्रकारिता जगत के पुरोधा इंद्रजीत पदवार भी पहुंचे थे। देश विदेश में पदवार कई ऐसे कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं जहां पहुंचने के लिए लोगों को काफी सोचना पड़ता है। इंद्रजीत पदवार APN के सलाहकार और सहयोगी पत्रिका इंडिया लीगल के एडिटर इन चीफ हैं। प्राग फेस्टिवल में पहुंचना गर्व की बात है और पदवार भी इस फेस्टिवल में पहुंचकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस फेस्टिवल में इंद्रजीत पदवार की तरफ से रचित रचनाओं को खूब सराहा गया जो कि 8 भाषाओं में उपलब्ध है। साहित्य महोत्सव का हिस्सा होना और खासकर कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते उनको वहाँ पर स्पेशली हिंदुस्तान को का नुमाइंदा बन के इन जैसे लोगों में जो वहाँ पर आए थे, जो महाकवि और महालेखक आए थे, वहाँ जाना एक बहुत गर्व की बात थी। हमें भी गर्व है कि पत्रकार जगत के ऐसे पुरोधा हमारे साथ जुड़े हैं जिनकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय मंच तक है, जिन्हें वो साहित्यकार पत्रकार जानते हैं जिनका नाम दुनिया में छाया हुआ है। प्राग साहित्य महोत्सव में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य सिर्फ इंद्रजीत पदवार को मिला। इस महोत्सव में वामपंथी विचारक और एक्टिविस्ट किरिल मेदवेदेव यूरोपीय नौकरशाही पर लिखी अपनी किताब द कैपिटल के लिए जर्मन बुक प्राइज जीत चुके ऑस्ट्रेलियाई लेखक रॉबर्ट मेनसे भी मौजूद रहे। महोत्सव में युवा अमेरिकी पत्रकार और लेखक वेस्ले लोरी, जिन्होंने रंगभेद के मुद्दे पर काफी काम किया है, उनकी मौजूदगी ने फेस्टिवल में 4 चांद लगा दिया। लोरी को पुलिसिया भेदभाव पर आवाज उठाने के लिए पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था। इस महोत्सव की सफलता को देखते हुए अब APN ने भी भारत में इस प्राग साहित्य महोत्सव की तरह समारोह आयोजित करने का फैसला किया है। इसके लिए APN ने एक प्रस्ताव बनाया है और इस पर काम भी जारी है। तरह तरह के और हर किस्म की बात हो रही थी वहाँ पर, कोई पाबंदी नहीं थी और इसको जो कहते हैं फ्रीडम ऑफ लिटरेचर, तो इसको सोच के हमारी संस्था भी APN भी अब ये सोच रही है कि चंद ही दिनों में हम लोग अब एक प्रस्ताव हम बना चुके हैं और इसमें ये नहीं कि समझिए कि 100 लोग आते हैं और 3 दिन में 100 लोग 10-10 मिनट 5-5 मिनट के लिए बोल के चले जाते हैं। यहाँ पर जो डिस्कशंस होती हैं, जो वार्तालाप होते हैं, वो बहुत इन डेप्थ वार्तालाप होते हैं। प्राग राइटर्स फेस्टिवल में इस साल इंद्रजीत पदवार ने शामिल होकर देश का नाम ऊंचा किया है। पत्रकारिता जगत में ऐसे फेस्टिवल में शामिल होने वाले बहुत कम ही पत्रकार हैं। इंद्रजीत पदवार पत्रकारिता के लिए दिए जाने वाले पुलित्जर सम्मान के लिए भी नामित हो चुके हैं। एक सफल पत्रकार के साथ साथ इंद्रजीत पदवार लेखक भी हैं, जिसकी धमक पराग महोत्सव में भी सुनाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट APN।